तो आज हमारी फैमिली 1 मिलियन हो गई है, जस्ट वाओ। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 2018 जुलाई में मैं मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का खिताब जीत कर आई थी लास वेगास से। खुशी तो बहुत हुई, एक महीने तक खूब इन्जॉय किया, उसके बाद लगा कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। हूँ तो गायनेकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखती हूँ सुबह शाम, लेकिन जब दो दो टाइटल जीतने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ सोशल वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सोशल फिगर बन चुकी हूँ। तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि मैडम यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू करते, आप एक लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल शुरू करो, कैसे फिट रहते हैं, कैसे अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, आप इतने बड़े बड़े टाइटल जीत कर आए हो, इस एज में आप इतने अच्छे लगते हो। तो बात मानी, यूट्यूब चैनल शुरू किया, बट मज़ा नहीं आया। एक वीडियो बनाया लाइफस्टाइल पे, फिर लगा नहीं ये मेरा डोमेन नहीं है। मैं अल्टीमेटली हूँ तो गायनेकोलॉजिस्ट ही ना, और पढ़ाने का शौक, पढ़ाने का जो कीड़ा होता है वो मेरे दिमाग में शुरू से था। स्टाफ को पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, सोचा क्यों ना यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। ऑब्वियसली कोई मुझे जानता नहीं था, तो मुश्किल से 20-25-30 लोगों ने देखा, वो भी वो लोग जिन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे फ्रेंड्स के भी, मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला है उसको देखो, कोई बात नहीं एक बार और वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो इतने सारे थे मेरे पास। तो फिर मैंने एक हफ्ते बाद वापस वीडियो डाला, फिर वही चलता रहा। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक मेरे को करीब मैक्सिमम 50-60 व्यूज़ आ जाते थे, और कुछ 2-3 कमेंट्स आ जाते थे। अक्टूबर से इसने पिकअप करना शुरू किया। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैडम यूट्यूब पे कैसे आप हमको एडवाइस दो कि इतना प्रोग्रेस कैसे कर गए। तो अक्टूबर तक मैं अपने वीडियोस बनाती रही, डालती रही, और मैंने एक लड़की हायर करी जिसको मैं बोलती थी आप हफ्ते में 2 बार वीडियो डालो, क्योंकि मुझे याद है जो पुराने यूट्यूबर्स हैं सबने एक चीज़ बोली है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे आप छोटा वीडियो बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, और साथ में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो मैंने अपने डेज फिक्स कर दिए, वेडनेसडे एंड संडे हमेशा मेरे वीडियो आने लगे। अक्टूबर से एकदम धूम मच गई। एवरी डे मैं देखती थी 1000 मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते थे, एवरी डे 1000 का एकदम ग्राफ ऐसे चलने लगा। क्वेश्चंस बढ़ने लगे, फिर मैं जवाब देने लगी, आंसर लिख लिख के आंसर देती थी। फिर इतने सारे क्वेश्चंस आ गए तो मुझे किसी ने आइडिया दिया मैडम लाइव सेशन करो। लाइव सेशन किया तो पहला सेशन मेरा 1.5 घंटे चला। उसमें मुझे आइडिया नहीं था क्या करना है, मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कर रही थी और क्वेश्चंस पानी की तरह बह रहे थे। एक क्वेश्चन पढ़ो तब तक 7 क्वेश्चन और आ जाते थे। तो करते 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 फिर मैं डेली लाइव जाने लगी। फिर आपको पता ही है धीरे धीरे फिर मेरे वीडियोस में ऑब्वियसली लाखों मिलियंस के व्यूज़ आने लगे। फिर आप लोगों के टॉपिक्स आने लगे जिनको मैं लिख लिख के याद रखती थी, ये इस टॉपिक पे बनाना है वीडियो। सारे टॉपिक्स जब मुझे लगा मैं बना चुकी हूँ तो फिर मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स उठाने शुरू करे। फिर मैंने एक दूसरा चैनल शुरू किया, डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स। पहले मैं उस पर लाइव जाती थी आप ही लोगों के लिए, फिर मुझे लगा कि सेम जनता वहाँ भी सेम जनता यहाँ भी, तो उस चैनल पर मैंने स्टूडेंट्स एंड नर्सेज को इन्वाइट किया, वो चैनल भी अच्छा खासा चल रहा है। सो गाइज, ये है मेरी एक छोटी सी हिस्ट्री जिसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। बीच बीच में थोड़ा सा लगा भी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत करें मेरा सिल्वर बटन नहीं आ रहा है, और कई बार घर में भी प्रॉब्लम्स होती थी। जब आप एक बिजी वर्किंग वुमन हो, घर में आपको बच्चों को भी देखना है, आपके हस्बैंड भी हैं, सब है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। कभी कभी अपना जुनून जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आपका किसी चीज़ का, जैसे यूट्यूब का जुनून ऐसा था कि कई बार मुझे लड़के अपने वीडियोज़ बनवाने पड़ते थे कि मुझे बनाना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे ये डालना है वीडियो। तो यू जस्ट हैव टू हैव दैट करंट इन यू कि आपको अगर कुछ करना है अच्छा तो करंट चाहिए भाई, करो, जस्ट करो, जस्ट करते जाओ और फल की चिंता मत। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अपनी मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, सब पीछे पीछे आता है, सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। अब जब मैंने ये शुरू किया तो पहली सक्सेस तो ये थी कि आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, मेरे व्यूज़ बढ़ने लगे, ऑब्वियसली यूट्यूब की तरफ से भी मुझे अच्छे कमेंट्स आने लगे, मुझे सिल्वर बटन मिल गया। साथ ही आप लोगों ने आके मुझे हॉस्पिटल में दिखाया, कितने पेशेंट्स की मैंने फ़ोटो खींच खींच के यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि कोई बिहार से आ रहा है, कोई अमेरिका में सेटल्ड है वहाँ से आ रहा है कि जब इंडिया जाएंगे तो मैडम से मिलेंगे। तो इतने पेशेंट्स आते थे, इतनी खुशी महसूस होती थी कि आप सिर्फ ऑनलाइन उनको पढ़ाकर इतने फेमस हो गए कि आप पे लोगों को इतना विश्वास हो गया कि दूर दूर से आपसे कंसल्ट करने आ रहे हैं। तो इट वॉज़ रियली गुड कि दैट आई वॉज एबल टू हेल्प सो मैनी पीपल। आज मेरे जो व्यूअर्स हैं सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह चारों तरफ फैले हुए हैं। ज़्यादातर इंडियंस हैं, कुछ नॉन इंडियंस भी हैं, बट देन जो लोग समझ पा रहे हैं मेरी वीडियोस को, जिनको मेरे पे ट्रस्ट है, वो डेफिनेटली मुझसे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं।
अब ऐसा हो गया है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स मेरे को यूट्यूबर ही बुलाते हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो नए नए अभी यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो मेरे से सलाह लेते हैं, पूछते हैं मैडम कैसे करना है, बताइए कैसे करना होता है। तो इट जस्ट फील्स वेरी गुड, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। मैं यहाँ की जोधपुर की काफ़ी फेमस यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर्स का एक पूरा ग्रुप है जिसमें कि मेरे को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, इस वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। और आज मुझे पता है आपके पास काफ़ी चॉइस है, मेरी तरह से कुछ और गायनिक्स हैं जो कि अच्छा वीडियो बना रही हैं और सिंपल तरीके से आपको समझा रही हैं, बट आई थिंक जब मैंने शुरू किया था तब ऐसे बहुत कम लोग थे जो आपको प्रॉपर सरल भाषा में धीरे धीरे समझा सके कि एक्चुअली हम OPD में जो आपको समझाते हैं हॉस्पिटल में उसका क्या मतलब होता है। सो आज हम 1 मिलियन पहुँच चुके हैं, लेकिन ये नंबर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे को आपसे जो प्यार मिलता है, जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और जो मेरे को व्यूज़ मिलते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आई वुड से वो 0.1% 1000 में से कोई एक ऐसे होंगे जो थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं, बट आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। इतने अगर आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देना इम्पॉसिबल है, बट जो लोग नाराज़ हैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, जो लोग खुश हैं और मुझे प्यार करते हैं उनके लिए ढेरों किसेस। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, हम 1 मिलियन का 10 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।